छात्रों, आज हम इल्यूमिनेशन चैप्टर में लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे। मेनली दो प्रकार के नियम हैं इल्यूमिनेशन के लिए। पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। पहले हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसको परिभाषित करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड ए पॉइंट सोर्स। तो इसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तो उसमें से इल्यूमिनेशन यानी ल्यूमेंस सरफेस पे गिरते हैं इल्यूमिनेशंस के रूप में, ल्यूमेंस के रूप में इल्यूमिनेशन जिसको अपन कहते हैं, और सरफेस ब्राइटनेस शो करता है। तो वो कह रहा है वो इल्यूमिनेशंस, उस सरफेस के वो इल्यूमिनेशंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जो डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द पॉइंट सोर्स, जहाँ से वो लाइट आ रही है और जिस सरफेस पे गिर रही है, उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि इल्यूमिनेशंस ऑफ द सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द पॉइंट सोर्स। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार से है। वो प्रूफ आपको फॉर्मूला देगा जो ज़्यादातर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को न्यूमेरिकल्स करते हैं तो काम में आते हैं। मान लेते हैं अपन तीन प्लेन को कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट सोर्स है एस, जिससे लाइट सरफेस पे गिरेगी, उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई कैंडला है, और जो ल्यूमिनियस फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स क्रॉसिंग दीज थ्री प्लेन्स, जो कि हम एक प्लेट के रूप में लेते हैं जैसे इसमें फिगर में दिखाया है आपको, उनका एरिया है ए वन, ए टू और ए थ्री स्क्वायर मीटर। यानी कि तीन प्लेन्स हैं, वो एक निश्चित दूरी पे सोर्स से रखे हुए हैं और उनका एरिया है ए वन, ए टू, ए थ्री स्क्वायर मीटर, और सोर्स से तीनों ही जो दूरी है, जो सेपरेशन है, वो है डी, टू डी और थ्री डी। तो इस प्रकार से जो फिगर बना है उसमें देख रहे हैं, और यहाँ पे सॉलिड एंगल ओमेगा बनते हुए ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, जो प्रोजेक्टेड सरफेस है वो। तो इस प्रकार हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले हम पहला प्लेन लेते हैं, जो सरफेस है वो लेते हैं, जिसका एरिया ए वन है, तो उसका सॉलिड एंगल होगा, वो हमेशा आपको पता है एरिया अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ओमेगा इज इक्वल टू ए वन अपॉन में डी स्क्वायर, क्योंकि पहले जो सरफेस है, जो प्लेन है, उसका सेपरेशन डिस्टेंस है डी और उसका एरिया है ए वन। तो इस प्रकार से ओमेगा इज इक्वल टू ए वन अपॉन में डी स्क्वायर। अब ल्यूमिनियस फ्लक्स रीचिंग द एरिया ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, ये ल्यूमिनियस फ्लक्स रीचिंग द एरिया ए वन, यानी कि ए वन के ऊपर जितना ल्यूमिनियस फ्लक्स एफ पहुंचेगा वो क्या होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई इंटू ओमेगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हमेशा कैंडला में होती है, तो सी पी इंटू ओमेगा अपन ने फॉर्मूला शुरू में देखा था। इसको हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को आई से देखते हैं, तो आई इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली थी, तो आई इंटू ए वन अपॉन में डी का स्क्वायर। इस प्रकार से इल्यूमिनेशंस E1 मान लेते हैं, प्लेन A1 के लिए, जो प्लेन अपन ने माना है जिसका एरिया A1 है, उसके लिए इल्यूमिनेशंस E1 है, उस सरफेस पे जो सोर्स के द्वारा जो इल्यूमिनेशंस गिर रहे हैं उसके ऊपर जो इमिट हो रहे हैं वो E1 है और उसका एरिया है A1। अब अपन इससे आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया यानी कि एफ अपॉन ए, जो इल्यूमिनेशंस का फार्मूला होता है। तो फ्लक्स हमेशा अपन ने ऊपर निकाला था भी, आई इंटू ए वन अपॉन में डी स्क्वायर।
अभी ल्यूमिनस फ्लक्स जितना था उसको देखा था अपन ने, तो इल्यूमिनेशंस क्या होते हैं, फ्लक्स अपॉन में एरिया। और जो आपने फ्लक्स को देखा और एरिया को निकालते हुए देखेंगे, तो अपन फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या करते हैं कि सी पी इंटू ओमेगा। तो सी पी है आई और ओमेगा है ए वन अपॉन में डी स्क्वायर। और इल्यूमिनेशंस में फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ पे वन अपॉन ए वन और इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल इल्यूमिनेशंस जो इस सरफेस पे गिरेंगे वो हो जाएंगे आई अपॉन में डी स्क्वायर, एरिया से एरिया कट जाएगा। तो ये लक्स फर्स्ट जो अपना प्लेन था ए वन, जिसका एरिया ए वन है, उसमें टोटल इल्यूमिनेशंस जो सरफेस पे गिरते हैं वो है आई वन अपॉन में डी स्क्वायर लक्स। सिमिलरली हम इल्यूमिनेशन ई टू सरफेस ए टू के लिए निकालेंगे, इसी प्रकार से ई थ्री ए थ्री के लिए निकालेंगे। उनमें सिर्फ अंतर क्या रहेगा कि जो डी है जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसमें वो 2D है और उसमें वो 3D है। इस प्रकार से इक्वेशंस तीनों 6.5, 6.6 और 6.7 बनती हैं, वो E1 इज टू E2 इज टू E3 इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर इज टू 1 अपॉन 2D स्क्वायर अपॉन इज टू 1 अपॉन 3D स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्यूमिनेशंस ऑन एनी सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सोर्स। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम दूसरा नियम जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है उसको देखेंगे। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जैसा अभी अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ में पढ़ा था, इसमें इसको परिभाषित करते हैं। तो इसमें क्या है कि इल्यूमिनेशंस ई, इल्यूमिनेशन हमेशा कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस किसी भी पॉइंट पे, उस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ फ्लक्स यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी है, वो एक तो नॉर्मल और एक लाइन ऑफ फ्लक्स। ये दोनों कैसे हैं कि अपन इस तरह से देख सकते हैं कि कोई सरफेस है उसके ऊपर लाइट गिर रही है तो उस पर इल्यूमिनेशंस आएंगे ई, जिसको कैपिटल लेटर से अपन डिफाइन करते हैं। तो किसी भी बिंदु पर यानी कि ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल वो किस किस के बीच में, नॉर्मल और लाइन ऑफ फ्लक्स में। अब इसका प्रूफ देखेंगे। इसमें अपन ने देखा एक सरफेस है उस पर लाइन ऑफ फ्लक्स लाइट डालते हैं तो लाइन ऑफ फ्लक्स कह लेते हैं, उसके ऊपर लाइट फोकसिंग कर रहे हैं उस पर इल्यूमिनेशन गिर रहे हैं। फिर इसके नॉर्मल को देखेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस अपन निकालेंगे जो कि थीटा एंगल बनाते हुए इस पर नॉर्मल गिरेगा। अब यहाँ पे इसने डायग्राम में आप देख रहे हो कि आप मान लेते हैं कि सरफेस आपका लाइन ऑफ फ्लक्स सरफेस है, उस पर आपका सोर्स के द्वारा लाइट प्रोड्यूस हो रही जो लाइट इसमें इल्यूमिनेशंस को एमिट कर रही है। अब ये अपन इसमें अज्यूम किया है या फिगर में देख रहे हो कि मान लेते हैं कि सरफेस इज इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लाइन ऑफ फ्लक्स से सरफेस को इंक्लाइन करते हैं किस से, एंगल थीटा से। एक प्लेन एंगल है जो ग्रीक लेटर थीटा से डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसमें क्या है कि आपने दो प्लेन यहाँ पे देख रहे हो कि सोर्स ओ है और सोर्स ओ है, एक लाइन ऑफ फ्लक्स है और एक प्लेन को इंक्लाइन करते हुए थीटा एंगल से वो निकल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं दो पी क्यू और आर एस। पी क्यू क्या है, पी क्यू है सरफेस एरिया नॉर्मल टू द सोर्स, सरफेस एरिया नॉर्मल टू द सोर्स एंड इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा टू द वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है उससे थीटा एंगल पे इंक्लाइड हो रहा है और ये नॉर्मल का सरफेस एरिया सोर्स से है। दूसरा आपने इसमें कंसिडर किया आर एस, जो कि सरफेस एरिया नॉर्मल टू द वर्टिकल एक्सिस, नॉर्मल टू द वर्टिकल एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द सोर्स ओ। यहाँ भी यही है और ऊपर इसने क्या किया है कि सोर्स एंड नॉर्मल इंक्लाइंड एट द थीटा एंगल वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ पे सरफेस एरिया नॉर्मल टू द वर्टिकल एक्सिस। तो देयरफॉर जो फिगर है
6.11 उसको अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस करते हुए। तो पी क्यू आपकी जो लाइन है पी क्यू, ये ट्रेंगल है आपका, देख रहे हो 90 डिग्री ट्रेंगल है, तो ये आर एस आपका बन रहा आर एस कोस थीटा, जो अपन ने थीटा एंगल से देखेंगे तो ये लाइन आपकी आर एस कोस थीटा के बराबर होगी। अब इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस पी क्यू, आपको इस इल्यूमिनेशन निकालने हैं इसके, पी क्यू लाइन पे कितना लाइट सोर्स के द्वारा इल्यूमिनेशन पड़ रहे हैं, तो इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस पी क्यू यानी कि ई पी क्यू से इसको डिनोट किया है, पी क्यू सरफेस है और ई इल्यूमिनेशन है, तो पी क्यू सरफेस के इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन द एरिया ऑफ पी क्यू, यानी कि फ्लक्स आपको पता ही है, फ्लक्स अपन ने क्या लिया था आई इंटू ओमेगा और एरिया ऑफ पी क्यू है, तो आई अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू इंटू एरिया ऑफ पी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। ये क्यों लिया है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ए अपॉन में डी स्क्वायर, एरिया अपॉन में डी स्क्वायर, तो आपके सॉलिड एंगल की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे एरिया से एरिया कटता है तो आई अपॉन में डी स्क्वायर बचता है। तो इस प्रकार हम पी क्यू की वैल्यू इस सरफेस पे कितनी है, ई कितने इल्यूमिनेशंस हैं वो अपन निकाल सकते हैं, और वो है आपके आई अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस आर एस निकालने हो तो फ्लक्स अपॉन में आर एस, तो वही आपका पी क्यू इज गुड आर एस कोस थीटा, तो वन अपॉन में या सॉरी आई अपॉन में डी स्क्वायर कोस थीटा। तो ये जो इल्यूमिनेशंस आर एस के निकले हैं वो कोसाइन लॉ से डिफाइन हो रहे हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द लाइन ऑफ फ्लक्स, तो दैट इज कोस थीटा। तो इस प्रकार फिगर 6.11b से हमने ये चीज़ें निकाली, देखी कि कोस थीटा इज नथिंग बट एच अपॉन डी और डी इज इक्वल टू एच अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पे डी की इक्वेशन 6.10 से वैल्यू को अपन रखते हैं तो अपना जो ई आर एस यानी कि इल्यूमिनेशन ऑन आर एस सरफेस आ जाते हैं आई अपॉन में एच अपॉन में कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा, दैट इज आई अपॉन में एच स्क्वायर कोस क्यूब थीटा। तो आपका टोटल इल्यूमिनेशन ऑन आर एस सरफेस इज आई अपॉन में डी स्क्वायर कोस थीटा, और एच की फॉर्म में लें तो आई अपॉन में एच स्क्वायर कोस क्यूब थीटा। ये आपने देखा कि डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस इन मीटर्स, एच इज द हाइट ऑफ द सोर्स फ्रॉम द सरफेस इन मीटर्स, और आई है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में। तो इस पर 6.11 कोसाइन क्यूब लॉ भी इसको कहते हैं, और दैट इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज डिपेंड अपॉन द क्यूब ऑफ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ फ्लक्स एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ये आपका नियम है जो कि इल्यूमिनेशंस के लिए लागू होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। तो जो लॉज हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सरफेस इफ सरफेस इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, सरफेस इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, और लैम्बर्ट्स लॉ है वो कब होगा जब सरफेस इज इंक्लाइंड एन एंगल थीटा टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। ये इसमें अंतर है दोनों में, कि दोनों में आपका एक में इंक्लाइंड है एक में नॉर्मल है। तो ये आपको लॉज के बारे में हमने बताया। थैंक यू।